हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड में इन सब का यूज़ क्या होता है। फॉर्मेट प्रिंटर का कैसे, इन सब स्टाइलिश फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल का कैसे यूज़ करते हैं, उनको फॉन्ट को उनका साइज कैसे बड़ा करते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या है, अंडरलाइन क्या है, ये सब आपको मैं आज बताऊंगा। तो गाइस, पहले इन सबको यूज़ करने से पहले हमको एक पैराग्राफ चाहिए, और उस पैराग्राफ को लाने के लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग पैराग्राफ को लाने के पेज पे लाने के लिए या तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, या कुछ लोग टाइपिंग करके देन उसके ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं आपको एक सीधे से तरीका बताऊंगा, जो आप एक पैराग्राफ आ जाएगा उस पर आप एज ए एग्जाम्पल काम कर सकते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे करें। तो गाइस, पहले आपको इज इक्वल टू रेंड लिख के देन ब्रैकेट बंद करना है। हमें पैराग्राफ चाहिए, देन उस पर कोई भी आप बटन कर सकते हो, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, देन एंटर मार देना है, आपका एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस पैराग्राफ के जरिए कि इन सब का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले हम लेंगे वीडियो को, वीडियो वर्ड को, हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ क्या होता है। ठीक है गाइस, तो पहले हम इसका साइज कुछ क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं, स्टाइल चेंज करेंगे, लाइक 20th सेंचुरी फॉन्ट में कर देते हैं इसे। ठीक है गाइस, देन हम इसका एक कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हमने इसे वाइट ने कर दिया गाइस। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा ही मेक योर योर डॉक्यूमेंट में ऐसा ही एक अंडर ऐसा ही रेड करना है, तो आपको एक इजी तरीका बताऊंगा कैसे करना है। पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है, देन आपको जिस वर्ड पे करना है आप इसे उसे सिलेक्ट करना है, देन देखने का इस इजीली तरीके से वो हो जाएगा। देखो गाइस, हो गया ना, जैसे यहाँ पे वीडियो पे मैंने ब्लू कलर का लाइन रख दिया था, ऐसी प्रोफेशनली पे भी हो गया है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज हो ये होता है। ठीक है, देन हम चलते हैं इस पे, ये एक आपका स्टाइल चेंज करने के लिए है, जैसे आपको कोई भी स्टाइल चाहिए किसी पैराग्राफ में, जैसे इस स्टाइल में कर दो, इस स्टाइल में 25 सेंट में कर दो, कैलिबरी कैलिबरी और लाइट कैलिबरी लाइट ज़्यादा यूज होता है कंपनियों में भी। देखो गाइस, ये आप इसके जरिए कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, देन ये साइज है, आपको पैराग्राफ का साइज क्या चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हमें ये जो 14 चाहिए, 15 चाहिए, 18 चाहिए, 20 चाहिए, 72 चाहिए, इसका यूज ये होता है। फॉन्ट साइज है इसका, ठीक है, ये फॉन्ट स्टाइल है, इसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये फॉन्ट को ये बोल्ट में है, हमें बोल्ट में करना है, फॉन्ट को बोल्ट में करना है, तो आप बोल्ट पे क्लिक कर सकते हैं, बोल्ट पे, देन आप इस पे क्लिक करिए, ये बोल्ट में हो गया। अब हमको इस पैराग्राफ को पूरा इटैलिक में करना है, तो आप इटैलिक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखो इटैलिक में हो गया, देन इसी पैराग्राफ को हमें अंडरलाइन करना है, तो गाइस आप इस पे क्लिक करके आपको जैसा अंडरलाइन चाहिए आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें कर दिया, देन इसमें कर दिया। ठीक है, ये ABC है। अब जैसे आप किसी आप पहले ये हम हटाए थे, अंडरलाइन अंडर बोल्ड हटा थे, इटैलिक हटा थे, ठीक है, इसके कैलिब्री में कर देते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, देन आपको ये स्ट्राइक थोड़ा दिख रहा है, इसमें आपको क्या करता है, किसी भी वर्ड पे आपको क्रॉस करना है, जैसे मुझे मैच दी न्यू थीम, इस पे हमें क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देखो टू मैच दी न्यू थीम, इस पे क्रॉस लग गया, क्रॉस नहीं क्या बोलते हैं, लाइन आ गई, काट दिया इसे। ठीक है, इस जैसे स्ट्राइक डॉट, ठीक है गाइस, देन एक ये फॉन्ट है सबस्क्रिप्ट, इस पे क्या करना है आपको गाइस, जैसे मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा के, अब हमें के की पावर 2 लगानी है,
हमें नीचे में लगाना पावर, ठीक है गाइस। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, देन टू लिख दूंगा। देखो गाइस, के नीचे टू आ गया। अब ऐसे ही मुझे के का स्क्वायर लगाना है, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर। तो इस पे करेंगे, दूसरे वाले पे स्क्रिप्ट वाला, देन इस पे क्लिक करेंगे, देन टू लिखेंगे, यार टू का स्क्वायर, ठीक है। इसका ये यूज होता है। देन आप इस पे आते, ये तो वही है, साइज, फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए, इसे कम करने, ये इंक्रीज करने के लिए, ये डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो फॉन्ट का साइज, इस पे क्लिक करूंगा, फॉन्ट का साइज बड़ा होता रहेगा, इसको करूंगा, इसका डिक्रीज होता रहेगा गाइस, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई गाइस, ये आपको इसका ये जो वर्ड है उनमें आप जैसा डिजाइन चाहते हैं वैसा हो जाएगा। जैसे आप शेडो में चाहते हैं वर्ड, वो देखो शेडो आ जाएगा। देखो शेडो में दिख नहीं रहा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ शेडो में कैसे करना है, शेडो कैसे दिखाई देगा। ये तो गाइस गलत हो गया, जैसे मैंने इसे ब्लैक में लिया, देन इसे एलिफेंट में रख दिया। अब मुझे इन सबके शेडो चाहिए, इन वर्ड पूरे पैराग्राफ को। अब मुझे शेडो चुनना है, तो गाइस आप इस पे गया है, सॉरी 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 सॉरी, इस पे ठीक है, इस शेडो में चाहिए हमें, तो गाइस शेडो आ जाएगा। इस शेडो में ये देखो गाइस, अब जैसा भी करना है, मतलब इस पे जिस पे जितना आप खोलोगे उतना आपको नए नए तरीके मिल जाएंगे इसमें, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है आपको। जैसे आपको कोई लाइन, अब मुझे ये लाइन इम्पोर्टेंट लग रही है, तो अब इसको क्या करूँगा, एकदम दिख जाए तो मैं इस पे पहले इसको कॉपी करूँगा। मैंने इसको कॉपी करा, ये लाइन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पे क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, टेक्स हाईलाइट पे, टेक्स हाईलाइट कलर पे, देन उसको आपको जो कलर पसंद है आप उस पे क्लिक करें, येलो, देन ये टेक्स हाईलाइट होगी। जैसे कोई मुझे काम है, मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है कि मुझे ये जरूरत पड़ेगा, तो आप इसे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ये फॉन्ट का कलर चेंज करना है, जैसे किसी वर्ड का कलर चेंज करना है, जैसे मेरे को रेड में करना है, देन रेड हो गया, इसका काम ये होता है फॉन्ट कलर, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं बुलेट्स पे, इसका यूज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ को हमें जैसे बोल लिखते हैं ना, वन पॉइंट टू पॉइंट या डॉट डॉट करके हम पॉइंटे लिखते हैं, किसी क्वेश्चन में कौन आंसर लिखना होता है पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं। तो अब इस पे जा, इस पे जैसे आपको कोई सी पॉइंट पॉइंट में करना है, तो इस पे जाएंगे, आपको जैसा डॉट चाहिए, ये डॉट चाहिए, ये डॉट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कोई भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन देखो गाइस, हर पॉइंट के बाद जैसे यहाँ तक तो पॉइंट लगा, देन ये सब फॉन्ट, ये सब चेंज हो जाएंगे, बुलेट बुलेट्स आ जाएंगे सबके पैराग्राफ के आगे, ठीक है। अब जैसे आपने कोई सिलेक्ट किया, जैसे ये सिलेक्ट किया ये, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कैसे एंटर मारा, देखो गाइस ये आ गया। अब मैं कुछ भी लिख कर रहा था, मैंने कुछ भी लिख, टाइप किया टाइप किया टाइप किया टाइप किया, मैं जैसे एंटर मारूंगा एक और नीचे आ जाएगा। तो गाइस का यूज ये होता है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको वन टू में चाहिए, जैसे रोमन काउंटिंग में चाहिए, वन टू में चाहिए, देखो गाइस ब्रैकेट लग के ये सब आपको चेंज हो जाएगा, जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं वन पॉइंट में करके, ठीक है। ये सेंटर में लाना है, ये सब सेंटर में आ जाएगा, आपको कोई पैराग्राफ सेंटर में लाना है, लेफ्ट लाना है, राइट लाना है, ठीक है। इसका ये होता है, ये गाइस
जो आपने पैराग्राफ का होता है उसको साइज को मेंटेन रखता है, मतलब कितना साइज पैराग्राफ के स्पेस होता है ना, तो उसमें भी बहुत सा स्पेस दे होगा, कितना कितना स्पेस है। अब जो आपको जो जिस हिसाब का स्पेस चाहिए वो आप इसके जरिए कर सकते हैं। मैंने 1.2 कर दिया, ठीक है। देन आपको इसका यूज, ये है शेडिंग। शेडिंग में गाइस देखो, गाइस शेडिंग में ये होता है, जैसे आप पूरा सिलेक्ट कर ले, शेडिंग आपको पूरा पैराग्राफ पे कोई शेडिंग चाहिए, कोई कलर चाहिए, देन आप इसके जरिए कर सकते हैं। आपको कोई बॉर्डर चाहिए, जैसे ऑल बॉर्डर चाहिए, देखो गाइस ऑल बॉर्डर, ये पूरा बॉर्डर में आ गया, ठीक है। आपको लेफ्ट राइट बॉर्डर चाहिए, जैसा ही बॉर्डर चाहिए आप उसे हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और पैराग्राफ ले देता हूँ, मुझे आपको बताने में आसानी हो, सॉरी। ठीक है, ये ऑल बॉर्डर है, ये इसके वो है कि आपको कैसा नॉर्मल चाहिए, ये सब इनमें यूज होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता वैसे, जैसे आपके हिसाब से वो ही है, जैसे आप यूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से यूज होता है। फाइंड का तो गाइस सबको पता ही है, आप जैसे अब मुझे फाइंड करना है वीडियो, देन मैंने लिखा वीडियो, सॉरी वीडियो, देखो गाइस जहाँ जहाँ वीडियो होगा वहाँ मेरी वीडियो पे कोई कलर आ जाएगा या डॉट डॉट आ जाएगा। देखो गाइस आ गया वीडियो, कि यहाँ यहाँ वीडियो है, इसमें ये होता है। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं इंसर्ट पे, देन हम इसको हटाएंगे। ठीक है गाइस, हम एक ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं गाइस, ब्लैंक पेज ले लिया एक। ठीक है गाइस, ये ब्लैंक पेज है, ये पेज ब्रेक कर देना है, ये टेबल है, जैसे कोई टेबल पे आपको काम करना है, सॉरी गाइस ये तो दूसरा पेज आ गया। जैसे टेबल है, जैसे टेबल पे आपको कोई काम करना है, ये उसके लिए टेबल होती है, जैसे कोई क्या बोलते हैं रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है उसके लिए, बहुत से काम कंपनी में काम होते हैं इन सब चीज़ों के। इंसर्ट टेबल है, जैसे आपको कितना चाहिए रो कितने चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, आप लिख सकते हैं मुझे कॉलम चाहिए 7, और मुझे रो चाहिए 3। ठीक है, देखो भाई 1 2 3 4 5 6, देख सी गाइस 6 कॉलम आ गए, और रो कितनी आ गई, 1 1 2 3, 3 रो आ गई गाइस। ठीक है, इसका ये यूज है, आपको इसमें कैसा कैसा रो और कॉलम चाहिए आप देख सकते हैं, इसमें स्टाइल है टेबल ग्रिड लाइक, ये सब स्टाइल है सब इसके। ठीक है, इसका यूज यही है और कुछ नहीं है, आपको कोई अच्छे से ये पिक्चर लेते हैं गाइस। पिक्चर में क्या होता है आपको पिक्चर को बताते हैं। पिक्चर में जैसे मैंने कोई पिक्चर ले ली, जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली, ठीक है, अब मुझे इसे, अब गाइस बहुत से लोग इस पिक्चर को एक साइड से मतलब घुमा नहीं सकते, मतलब या तो आप राइट लेफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा वो नहीं कर सकते, बट मैं एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हो। कैसे, रैप टेक्स में जाना है, पहले इस पर क्लिक करना है, रैप टेक्स में जाना है, देन टाइट पे जाना है, देन आप इसको घुमा सकते हो, आप इसको जहाँ फिट करना चाहते हो वहाँ फिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें यही है, अब जैसे रिमूव बैकग्राउंड, और जैसे कोई पैराग्राफ में, ठीक है, इस पर कलर है, जैसे पिक्चर कलर,
इफेक्ट है ये सब, ये सब इफेक्ट है। कोई और पिक्चर लेके दिखाता हूँ गाइस, इस पिक्चर में इतना मजा नहीं आ रहा क्या। ये आगे गाइस पबजी, पबजी जो फेमस चल रहा था इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। एक हिसाब से अच्छा ही करा फॉर देश की सिक्योरिटी के लिए। गाइस का मैं बताता हूँ कि इस पिक्चर में आपको कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो गाइस पहले आपको पिक्चर पे आपने पिक्चर सेलेक्ट करके आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है, देन आपको कलर देना है। जो पिक्चर को आप कलर दे सकते हो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें इतना वो नहीं है कि ठीक है। अब ये है सिंपल फ्रेम, आपको जिस फ्रेम में इस पिक्चर को लाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर है, बहुत सारी पिक्चर है गाइस। आप जिसमें अभी आपका आपको अच्छा लगती जो पिक्चर अच्छी लगती है आप उसमें इसे गाइस, ये देखो गाइस राउंडेड, देखो गाइस रिफ्लेक्टेड गाइस वेवर, या आप जिसमें भी आपको जो पसंद है आपको उसमें कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जैसे मैंने इसमें ले लिया, देन पिक्चर बॉर्डर, आप पिक्चर को बॉर्डर करने के लिए पहले इसको ठीक करना है। पहले इसको आप साइज कोई अच्छा सा साइज लेते हैं, जैसे हमने ये लिया, ये ले लिया, ठीक है। इसमें आ गया, हमें पिक्चर बॉर्डर करनी है, देन हमें रेड में बॉर्डर कर दिया, ठीक है। देखो रेड में बॉर्डर हो गया किसी पिक्चर को, ठीक है। इसमें ये है मोर ओपन कलर है, ये जो आपकी जो साइड साइड में बैठते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे कर दिया रेट में जो के, देन इसमें कर दिया। बहुत सी चीज़ें गाइस आप इसमें ओपन करोगे क्लिक करोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डैशेज देखते गाइस, जो बैकग्राउंड के देखो गाइस, इसका जो यहाँ पे है पिक्चर बॉर्डर, ये गाइस चेंज हुआ, ये गाइस चेंज हुआ, इसमें सब यही है, इसमें आपको ये सब मिलेगा। देन पिक्चर इफेक्ट्स, पिक्चर के इफेक्ट्स है प्रेजेंट, देखो गाइस शेडो, शेडो चाहिए किसी पिक्चर की, ये मैंने कर दिया इसको शेडो। पहले पिक्चर को हम छोटी करते हैं, ठीक है। शेडो करनी है, शेडो के लिए रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट फेस, रिवर, 3D, 3D में करना, 3D, ये 3D हो गया। थ्री डी रोटेशन, सॉफ्ट एड्स, रिफ्लेक्शन, ग्लो, शेडो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब आपको एक और चीज़ बतानी है इसमें, ये पोजीशन, अब ये इसकी पोजीशन है, आपको जिस पोजीशन में चाहिए। हमने मैंने पोजीशन का एक तरीका बताया था आपको, रैप टेक्स में जाके टैग पे जाके आपको कोई पोजीशन देनी है जहाँ आपको पिक्चर सेलेक्ट करके लगानी है, कोई पैराग्राफ पे लगानी है, आप इसके जरिए कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आपको पोजीशन देने है, आपकी मर्जी है तो पोजीशन दे सकते हैं। देखो जहाँ जहाँ पोजीशन पे क्लिक करूँगा वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। देन इस पे बिहाइंड द टेक्स्ट अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। मैंने लिखा इज इक्वल टू रैम ब्रैकेट 1 3 ब्रैकेट, एक पैराग्राफ आ गया गाइस। अब मुझे इस पिक्चर को इस पैराग्राफ के बिहाइंड ले आनी है, पीछे ले आनी है गाइस। तो हमें क्या करना है, पहले इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस रैप टेक्स्ट पे जाना है, पर उठाना है इसे, हमने इसे पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसके बिहाइंड द टेक्स्ट ले आनी है, देखो गाइस
बिहाइंड टेक्स्ट हो गया, आपको जहां फिट करना है आप कर सकते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है वैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें यही काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस आपको जो चाहिए वो इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ठीक है, पिक्चर में बस इतना ही था, आपको जो उनसी पिक्चर लगानी है आप लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, सेप्स है, कोई शेप है ये बहुत सारी, ये आपको शेप मिल जाएगी, इसमें आपको इसे सिलेक्ट करना है, ये शेप है, अब वो शेप चाहिए वो आप शेप कर सकते हैं। पिक्चर का बता दिया गाइस मैंने आपको, अब मैं आपको शेप का बताऊंगा, ये शेप। ठीक है, मैंने कोई शेप ली, ये शेप ली, ठीक है, इसे मैंने ब्लैक में कर दिया। ठीक है, आप कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं, एरो में कर सकते हैं, आप एरो की शेप ले सकते हैं, ठीक है, ये शेप है, आपको जो शेप लेनी है, जो आपकी शेप की नीड है वो शेप में जाके आप शेप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शेप फिल कलर है, शेप फिल के लिए शेप आउटलाइन, ये आउटलाइन कलर है जो बाहर के, शेप इफेक्ट, शेडो, शेडो में जो आपको इफेक्ट चाहिए, ग्लो चाहिए, कोई भी है, जैसे आपको पिक्चर में बताया था, कोई डायरेक्ट टॉप की तरफ ले आना है। ठीक है, पोजीशन आपको को जैसे कोई पोजीशन चाहिए, जैसे उसमें था रैपटेक्स, आपको पता ही है। ठीक है सर, ठीक है गाइस, देन इंसर्ट हो गया, स्मार्ट चार्ट ये हो गया गाइस, जाएंगे। ठीक है, हम इसको हटा देंगे, ओ गाइस, ठीक है, हमने इसको डाल दिया स्मार्ट चार्ट, ये सब चार्ट है, आपको चार्ट पे कोई काम करना है, जैसे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे कोई चीज़ आपको चार्ट पे काम करना है, जैसे आपको लिखना है एप्पल, लायन, जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट में अभी कर सकते हैं, आप अपने तरीके से चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इसमें बस चार्ट में यही है, स्मार्ट आर्ट में यही है, और ये ठीक है, ठीक है, ये चार्ट है, जो आपको चार्ट चाहिए कोई भी कर सकते हैं यूज इसका, एंड स्क्रीन शॉट तो आपको पता ही है, विकिपीडिया, ऑनलाइन वीडियोस, ये लिंक, ये सब, फुटर हेडर, फुटर हेडर का यूज तो जैसे किसी टेक्स्ट को लिखना है आपको, टाइप हेयर, ये हेडर हो गया फुटर में नीचे, ठीक है, हेडर फुटर का यही काम होता है। ओहो गाइस क्या हो गया, ठीक है, आज मैंने इंसर्ट का बता दिया है, यहाँ तक, स्क्रीन शॉट तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेडर फुटर पेज नंबर ये सब बताऊंगा, डिज़ाइन में कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ कलर वही सब करना पड़ता है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, और मैं आपको ब्लैंक पेज लेता हूँ। ठीक है, इस डिज़ाइन के बारे में इंसर्ट के हेडर फुटर की एक मैं वीडियो बताऊंगा, क्योंकि इसे बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको यहाँ से लेके हेडर फुटर से लेके इन सब का यूज़ बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेडर फुटर का यूज़ बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये लेआउट हो गया, आपको किस किस उस पर काम करना है, पेज पे कैसे, पेज पे लैंडस्केप में करना है, पोर्ट्रेट में करना है, इसके कर सकते हैं,
पेज का साइज क्या होता है, A4 होता है, लेटर होता है, जैसे A4 साइज की बुक कॉपीज आती है। देन आपको जैसे किसी पैराग्राफ को ये गाइस, इसका यूज ये होता है कॉलम्स का, किसी पैराग्राफ को टू कॉलम में करना है तो टू में हो गया, थ्री में करना है थ्री में हो गया, लेफ्ट में करना है ऐसे हो गया गाइस, ये सब इसका यूज होता है, जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना वैसे गाइस। जैसे मैंने किया वन टू ब्रैकेट, एक ये पैराग्राफ आ गया, अब मुझे इसे वन में करना है, देन इस पे क्लिक करूँगा मैं, इसे वन कॉलम, ओ सॉरी गाइस, इसे इसमें मैंने कर दिया, थ्री में करना है थ्री में कर दिया, ये टू में कर दिया। अब मुझे यहाँ कुछ, हम यहाँ एक पिक्चर लानी है, पिक्चर ला के लगा देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पिक्चर चाहिए, यहाँ पिक्चर लगा सकते हैं, इस साइड पिक्चर चाहिए, देन इसको इसका ये यूज़ है, ये ब्रेक पेज है, लाइन नंबर कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूस लिखते चले जाते, देखो भाई अब मैं यहाँ टाइप करता चले जाऊँगा तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब आ जाएगा, लिखता आ जाएगा, कंटिन्यूस नंबर लिखता आ जाए, लिखते चले जाएंगे। हाइपर टेक्स्ट में ये सब ये होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक भी क्लिक करा, जैसे कोई वर्ड होता है दिखाता हूँ मैं अभी, एक पैराग्राफ लिखता हूँ, इक्वल टू रैंडम वन नहीं थ्री गाइस। और मुझे इसके वर्ड प्रिडिक्ट में करने हैं, देखो गाइस ये क्या है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग यहां तक पूरे तक नहीं आ पाई, यहां पर पूरे पे नहीं आ पाई, तो उसने डू को लिख के एक साइन लगा के नीचे मेंट लिख दिया, जैसे कोई होता है ना कोई वर्ड पूरी लाइन पे नहीं आता, तो आप इसको यूज, इसका यूज यही होता है, ये लेंथ है, स्पेसिंग है, आपको क्या स्पेस देना है, ये सब चीज है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हेडर फुटर रेफरेंस मेलिंग रिव्यू, रिव्यू में गाइस ये सब कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा मैं यूज नहीं है रिव्यू, रिव्यू का रिव्यू बस देखना होता है, और व्यू में ये देखना होता है कि आपका पेज पे कैसा काम कर रहा है, कि प्रिंटर पे आएगा नहीं आएगा, प्रिंटर लेआउट, ठीक है गाइस। ये सब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हेडर फुटर रेफरेंस मेलिंग इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में जो आपको कुछ कन्फ्यूजन है वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी की चीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो के बारे में बताऊंगा जो लोग, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू गाइस।